हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई ली है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर से हम कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर 32 साइज में, 32 साइज में आप 5 इंच का लीजिएगा, अगर पीछे का गला बड़ा है तो। आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच, ये देखिए इस तरीके से शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म होल की लाइन बना लेनी है और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 32 साइज का यहाँ पर फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से लेते हुए तिरछी लाइन बनानी है और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसे कट कर रही हूँ। कट करने के बाद हमें इसे मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ गले का मेजरमेंट। नेक की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच, 2 से 2.25 इंच आप ले सकते हैं। और गले की टोटल लंबाई रखी है 10.5 इंच, नीचे से नेक की विड्थ ली है 3 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर हमें सिंपल पॉट शेप बनाना है, यानी कि मटका गला, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से। आप अपनी पसंद से इसे छोटा या बड़ा करके ले सकते हैं, जैसा भी आप पीछे का गला पसंद करते हैं उसके हिसाब से बड़ा छोटा इसे करके आप ले सकते हैं। जैसे कि आप चौड़ाई में अगर ब्रॉड नेक पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा और फैला सकते हैं, मैंने इसे मीडियम ही रखा है। इसके बाद इसे देखिए हमने मेन कपड़े पर कट कर लिया है और मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे सिलाई लगा कर पलट लीजिएगा। और पेपर पेस्टिंग को हमने नीचे रखना है डबल फोल्ड करके, उसके ऊपर गले को रखकर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग आप कपड़े के ऊपर इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से आपको रखना है और इसे पिन लगा सकते हैं। पेपर पेस्टिंग अटैच करने के भी मैं आप लोगों के साथ अलग अलग तरीके शेयर करती हूँ, ताकि उसमें से जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप अपना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने अलग से बनाया है कि इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ अटैच कर सकते हैं। अलग से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सिलाई लगानी है, गले के इस कॉर्नर पर भी और गले के उस कॉर्नर पर भी, तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल अस्तर के बराबर से कट कर लें, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है और उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। पेपर पेस्टिंग वाला जो भाग है वो ऊपर की तरफ रखिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे कवर कर देंगे, ताकि गला बनाते समय ये बिल्कुल भी हिले ना। अब हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे ही नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं और गले को पलटकर सीधा कर लेना है। सिलाई के पास तक हमें छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं। तो देखिए मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है। हाथों से आपको अच्छे से यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कर देनी है। इसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो गले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई हमें लगा लेनी है इस तरीके से।
अब हमने बाहर की तरफ सिलाई लगानी है इस तरीके से। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रीज बिल्कुल भी ना आए, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। दोनों ही तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो एक तरफ से हमें कमर पट्टी को फोल्ड कर लेना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब हमने एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। बैक पार्ट को यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से कि हमारा जो नीचे वाला नेक है वो पूरा कवर हो जाए। यहाँ जहाँ तक भी आपको ये डिज़ाइन बनानी है वहाँ तक आप इसकी मार्किंग कर लें कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो पूरे नेक पे बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ नीचे नीचे भी आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। बाहर की तरफ से पेपर यहाँ पर न्यूज़पेपर को थोड़ा ज़्यादा लेते हुए कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हमें डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए आप कपड़ा सीधे में भी कट कर सकते हैं, और अगर आपके पास फैब्रिक होता है तो आप तिरछे में अगर कपड़ा कट करेंगे तो उसकी जो डोरी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक का ही साइड में से जो प्लेन फैब्रिक होता है वही लिया है। तो इस तरीके से मैंने डोरी की यहाँ पर पट्टी के ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। अब हमें डोरी को पलट के सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से डोरी को पलट के सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर डोरी को पलट के सीधा कर लेना है। डोरी के यहाँ पर हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है चौकोर में। तो इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 3.5 इंच की है। इसे ट्रायंगल्स में फोल्ड करते हुए हमें सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डोरी को कॉन्ट्रास्ट अलग कलर में ले सकते हैं और मेन फैब्रिक आप जो ये जो मैंने चौकोर कपड़ा कट किया है ये आप मेन कपड़े का ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी कपड़ा आपके पास अवेलेबल होता है आप यहाँ पर गोल्डन कलर का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2 कलर में हमें डिज़ाइन तैयार करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाएंगे। ट्रायंगल के बीच में डोरी को इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सारे पैटर्न हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पैटर्न तैयार कर दिए हैं। गले के पास से हमें इसे लगाना है। तो इस तरीके से बिल्कुल पास पास में गैप नहीं देनी है और पूरे पैटर्न पे ऊपर की तरफ गले पर इन्हें लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमें एक तिरछी पट्टी लेनी है और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। इस पट्टी को मैंने उरेप में ही कट किया है और यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करना है। इसकी पाइपिंग तैयार करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और पट्टी को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करेंगे। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनानी है। तो पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग बना ली है और ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हम पैटर्न को इस तरीके से रख लेंगे और सिलाई लगाएंगे।
तो बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई हमें लगा लेनी है और इसे अटैच कर देना है। पैटर्न को अच्छे से अटैच करने के बाद हमने न्यूज़पेपर निकाल देना है। तो न्यूज़पेपर आसानी से इस तरीके से आप निकाल लें, ये देखिए। अब ये जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर आप चाहें तो पट्टी बनाकर लगा सकते हैं रेड कलर में, या फिर आप अपनी पसंद से यहाँ पर लेस अटैच करते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस अटैच कर रही हूँ। लेस को अटैच करने से पहले आगे की तरफ से आपको इसे फोल्ड कर देना है अच्छे से, उसके बाद ही अटैच करना है। फिर बाकी कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए पाइपिंग वाला और अच्छे से इसे पक्का कर देना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर देना है। इसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पर डोरी को अटैच करना है। तो अच्छे से यहाँ पर इसे पक्का मैंने कर दिया है। आप चाहें तो नेक को सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इस पर डोरी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डोरी लगा रही हूँ, ऊपर से 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए डोरी को अटैच कर देंगे दोनों ही तरफ। और गले के नीचे भाग पर जो डोरी की डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर हमने मोती स्टिच कर देने हैं। तो मोती मैंने लगा लिए हैं और ये नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।